हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हमने हेडिंग लगा रखी है रासायनिक समीकरण, और यहां पर है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बच्चों, और यहां पर है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, जैसे कि बच्चों हम यहाँ पर लिखें आपका C plus O2, it will form your CO2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर कितने कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है। कितने ऑक्सीजन है, वो कितने हैं, दो हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन। कितने ऑक्सीजन है, दो है। तो ये वाला पक्ष आपका कहलाता है बच्चों, देखिए अगर हम इस प्रकार से खड़े हो जाएं तो ये वाला कौन सा हाथ है बच्चों, बायां हाथ है। तो बायां हाथ है तो ये पक्ष क्या होगा बच्चों, बायां पक्ष होगा। और यदि ये वाले हाथ को उठाएं तो ये वाला बच्चों कौन सा हाथ है, दायां हाथ है। तो ये बच्चों कौन सा पक्ष है आपका, दायां पक्ष है। तो कहने का क्या मतलब निकला बच्चों, यह मतलब निकला कि यदि रासायनिक समीकरण में बायां पक्ष में तत्वों की संख्या और दायां पक्ष में तत्वों की संख्या समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हम बात करें बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण की। तो यदि यह यहाँ पर हम 2 लिख दें तो आपका बच्चों क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन, ओ कितने हैं, दो हैं। यहाँ पर दो कार्बन, ओ कितने हो गए, चार हो गए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो संख्या है और यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो संख्या बच्चों वो अलग अलग हो गई। अब अलग अलग हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों की संख्या, अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों की संख्या समान होती है, अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि हम यहां पर एग्जांपल की बात करें, उदाहरण की, तो बच्चों क्या होगा आपका उदाहरण, C एंड O2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं बच्चों, CO2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर बायां पक्ष में तत्वों की संख्या और दायां पक्ष में तत्वों की संख्या बच्चों क्या है, आप देख पा रहे हैं ना, क्या है बच्चों, बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे बच्चों। तो आप इसकी एक टर्मोलॉजी और दे सकते हैं, एक डिफिनेशन और बता सकते हैं, अथवा वह समीकरण जिसमें बायां पक्ष
बायां पक्ष तथा दायां पक्ष, बायां पक्ष तथा दायां पक्ष में तत्वों की संख्या, वह समीकरण जिसमें बायां पक्ष तथा दायां पक्ष में तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या समान, मतलब क्या बराबर, समान बच्चों मतलब क्या बराबर होती है, होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे संतुलित, तो बच्चों से क्या कहते हैं, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। अब बच्चों हम आपका देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो आइए अब हम देखें आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, जैसा कि आपने देखा संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में बच्चों तत्वों की संख्या क्या रही, समान रही। अभिकारक और उत्पाद में बच्चों तत्वों की संख्या क्या रही, समान रही। और असंतुलित है बच्चों तो तत्वों की संख्या क्या रहेगी, असमान रहेगी। तो असंतुलित है बच्चों तो तत्वों की संख्या क्या रहेगी, असमान रहेगी। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण तो वह समीकरण बच्चों, वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या समान नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वह समीकरण, वह समीकरण, वह समीकरण बच्चों जिसमें, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में, अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों की संख्या, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों की संख्या समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, समान नहीं होती है बच्चों तो उसे असंतुलित, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो सोचो क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि हम बात करें बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या है, तो आप जानते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब बच्चों क्या रहा कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा आपका, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बच्चों आपका क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपका जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने मैग्नीशियम दो, कितने ओ दो, कितने ओ एक, कितने मैग्नीशियम एक, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या बराबर है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है बच्चों, और अलग अलग है ऑक्सीजन की संख्या तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो
यहाँ पर हमें समझ में आ गया यहाँ पर क्या है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो एक और हम इसे डिफिनीशन बना सकते हैं अथवा करके बच्चों, क्या है वह समीकरण जिसमें वह समीकरण बच्चों जिसमें वह समीकरण बच्चों जिसमें अभिकारक तथा वह समीकरण जिसमें बायां पक्ष तथा दायां पक्ष में वह समीकरण जिसमें बायां पक्ष तथा दायां पक्ष में तत्वों की संख्या समान नहीं होती है समान नहीं होती है तो उस समीकरण को बच्चों हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से, असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे क्या कहते हैं बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? और यहाँ पर देख रहे हैं यदि आपका समीकरण संतुलित नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित करेंगे। तो कहने का मतलब निकला बच्चों, अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।